कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिया? एन आई बेबीलोन ने। कब दिया? 1926 में, याद कर लेना। यानी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? वो जगह है जहां पर कोई क्रॉप ओरिजिन हुई है, जैसे वो पैदा हुई है। अब एक सवाल ये आता है कि इन्होंने ये पता कैसे लगाया। जैसे फॉर एग्जांपल सोयाबीन है, मान क्या लो सोयाबीन है। सोयाबीन का सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है? चाइना है। इनको कैसे पता चला कि सोयाबीन चाइना में ही पैदा हुई थी? सेंटर ऑफ ओरिजिन चाइना ही है। क्या सोयाबीन ने खुद बोला कि मैं यहाँ पैदा हुई? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इनको पता कैसे चला? देखो, जहाँ पर हमने भी बात की थी डोमेस्टिकेशन की, डोमेस्टिकेशन में क्या बताया था कि जितनी भी कल्टीवेटेड स्पीसीज है वो सब अपनी अपनी वाइल्ड स्पीसीज से ही बनी है। आज जितनी भी खेती हम कर रहे हैं, जितनी भी हम क्रॉप लगा रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं अपनी जंगली प्रजातियों से ही बनी है। तो जिस जगह पर सबसे ज़्यादा जंगली प्रजाति पाई जाएंगी उस क्रॉप की, जिस जगह पर सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उस क्रॉप की, वही उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाएगा। सीधी सी बात है, वही उसका सेंटर ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, क्योंकि उससे मिलते जुलते जितनी भी जंगली प्रजातियाँ वहीं पाई जा रही हैं, इसलिए सेंटर ऑफ ओरिजिन वही एरिया माना जाएगा जहाँ पर उस क्रॉप की सबसे ज़्यादा वाइल्ड स्पीसीज, सबसे ज़्यादा जेनेटिक वेरिएबिलिटी, सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी हो। यही उनका आधार था एन आई बेबीलोन का। तो इस आधार पर इन्होंने दो प्रकार के सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए, एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और दूसरा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन, ठीक है। और दूसरा क्या था? सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी में सेकेंडरी में छोटा सा फर्क है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब वे जगह, वो एरिया जहां पर उस क्रॉप का ओरिजिन भी हुआ है और वहीं पर उस क्रॉप की सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी भी है, मतलब उसका ओरिजिन और उसकी मैक्सिमम डाइवर्सिटी एक ही जगह पर है, उसी एरिया को क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। कुछ क्रॉप के केसेस में ऐसा पाया गया कि ऐसे एरिया जहां पर उनकी सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा उनकी डाइवर्सिटी है, लेकिन उनका ओरिजिन वहाँ का नहीं है, ओरिजिन वो कहीं और हुई है लेकिन डाइवर्सिटी कहीं और ज़्यादा पर, कहीं और जगह पर है, तो उस जगह को बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। बस इतना सा फ़र्क है प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। एन आई बेबीलोन ने एक लॉ भी दिया था, लॉ का नाम है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन। इसी को लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन भी कहा जाता है। बहुत सिंपल सा है और बहुत ही साधारण सी बात इन्होंने कही। इन्होंने क्या बताया कि अगर किसी क्रॉप स्पीसीज में कोई एक कैरेक्टर पाया जाता है, ठीक है, अगर कोई कैरेक्टर एक क्रॉप स्पीसीज में पाया जाता है, तो इस बात के पूरे पूरे चांसेस हैं कि यही कैरेक्टर इसी क्रॉप स्पीसीज की वाइल्ड स्पीसीज में भी मिलेगा। भाई सीधी सी बात है, जो कैरेक्टर मेरे अंदर है ऑब्वियसली वही कैरेक्टर मेरे पूर्वजों में भी होंगे। यही है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज इन वेरिएशन और लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन, जो एन आई बेबीलोन ने दिया था। और आई थिंक 1951 में या 1956 में, यस 1951 में ये लॉ दिया गया था, 1951 में ये लॉ दिया था। क्या बात कही इन्होंने कि जो कैरेक्टर किसी क्रॉप स्पीसीज में पाए जाते हैं वही कैरेक्टर उसकी वाइल्ड स्पीसीज में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो 1926 में शुरुआत उन्होंने रिसर्च कहाँ से की थी, 1926 में तभी ये कंसेप्ट दिया था। तब उस वक्त टोटल एट सेंटर ऑफ ओरिजिन की खोज हुई थी, ठीक है, जिसमें से एक अपना था हिंदुस्तान और एक साउथ अमेरिका भी था, ठीक है, ऐसे टोटल आठ थे। मैंने दो क्यों बताए, इसके पीछे की वजह, ठीक है, टोटल कितने थे? आठ, जिसमें से एक था हिंदुस्तान और दूसरा और एक और था साउथ अमेरिका, ऐसे बहुत सारे थे। 1935 में क्या हुआ, एन आई बेबीलोन ने इस हिंदुस्तान को दो में डिवाइड कर दिया और इस साउथ अमेरिका को तीन में डिवाइड कर दिया। तो 1935 में ये जो आठ थे वो टोटल कितने में बदल गए फिर? 11, ठीक है। तो वो आठ कौन से थे, 11 कौन से थे, कंटेंट में आपको मिल जाएगा, आपको सिंपल सा रटना है उनको, बस रटना, मतलब वहाँ पर है कुछ नहीं, सिर्फ देश का नाम है और उस देश में कौन कौन सी क्रॉप का ओरिजिन हुआ है वो आपको रटना पड़ेगा,
तो वो कंटेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ लेना। ये है सेंटर ऑफ ओरिजिन।